अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने मेरे टाइटल पे और मेरे थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई एज अ फ्रेशर। ठीक है, तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगी कि किस तरीके से आपको एज अ फ्रेशर भी यहाँ पर जॉब मिल सकती है। ज़रूरी नहीं टीचिंग फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपको एज अ फ्रेशर भी जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमारी यही होना चाहिए कि हमें जो हम मतलब जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, ऑब्वियस अगर हम दुबई आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले यहाँ का रिसर्च करना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे अकोमोडेशन होता है, क्या होता है। इस तरीके से ये सारी सर्चिंग करने के बाद आपको किसी भी एक एप्लीकेशन के थ्रू अपना CV ड्रॉप करना है। वहाँ ऑप्शन साइट्स होती है, एक हमारा एक हो गया यहाँ पे दुबई में खलीज टाइम्स होता है और एक हमारा नौकरी गल्फ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि आप यहाँ पे अपने अगर CV वगैरह ड्रॉप कर देते हैं तो इससे ये होता है कि वो लोग आपसे अगर वो मतलब उनको रिक्वायरमेंट होगी आपकी तो वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे और आप तक पहुँचने के लिए वो ईमेल रिवर्ट भी देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। बट जो सबसे बेस्ट ऐप है आप लिंक्डइन सबसे अच्छी ऐप है, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो अपने बहुत अच्छे। अगर आप दुबई आ रहे हो तो उससे एक महीना पहले आप ये सारी तैयारियाँ करके आओ, इस चीज़ को रिसर्च करके आओ थरली कि किस तरीके से आपने यहाँ आकर कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। क्योंकि आप यहाँ आओगे, यहाँ आकर आपको लोग बताने वाले नहीं मिलेंगे कि आपको कहाँ जॉब मिलनी है, कैसे मिलनी है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, वो सब नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको किसी भी एक वेबसाइट पे मतलब किसी भी एक ऐप्स के थ्रू आप जो है वहाँ पे अपना CV ड्रॉप करिए और वहाँ से ही सारी इन्फॉर्मेशन आप क्रिएट करिए और वहाँ पे अपना CV डालिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप दुबई आकर करते हो तो वो बेस्ट है। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप दुबई आकर अपना CV ड्रॉप करो। ठीक है, ताकि जब भी पूछते हैं कि आर यू इन दुबई राइट नाउ, तो आप उस पर अपना आंसर येस जो है वहाँ पे एंटर कर सकते हो, ताकि वो आपको प्रेफर ज़्यादा करेंगे अगर आप यहाँ होगे तो। लेकिन वही अगर आप इंडिया में या अपनी कंट्री में बैठकर करते हो तो वो प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि पता नहीं ये बंदा कब आएगा, कब जॉब देखेगा, कब अप्लाई करेगा, किस तरीके से होगा, तो वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ, जो जॉब है वो यहाँ पर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि ये लोग जो हैं दुबई में ये प्रेफर करते हैं कि इनके कंट्री में जो है मोस्टली वाइट लोग आए। वाइट मतलब ये हो गए अमेरिकन, जो भी अमेरिकन जो लोग होते हैं वो लोग यहाँ पे आए, उन वो US के लोगों को ही प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ पर आएं और जॉब करें, क्योंकि उनका नेटिव जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, इसलिए वो लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वही लोग आएं। बट इसलिए जो मतलब प्रॉब्लम जो आती है जॉब लेने में वो यही आती है कि वो लोग प्रेफरेंस उनको देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, आपको भी मिल सकती है। बट प्रॉब्लम यही है कि सैलरी जो है वो थोड़ी लो देंगे, स्टार्टिंग सैलरी वो थोड़ी सी लो देंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में आप क्लियर रखना कि अगर वो सैलरी थोड़ी सी कम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको मेक श्योर करें कि आप उस सैलरी के बिहाफ पे आप वो जॉब लो। क्योंकि दुबई में आकर कोई भी, अगर आप इवन टीचिंग के लिए आए हो बट आपको टीचिंग फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है, इट डजेंट मीन कि आपने कोई जॉब नहीं करनी है। आपको जो भी उस वक्त के लिए जॉब मिल रही है आप पकड़ लो उसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार आप आ गए दुबई में, जॉब मिल गई, ठीक है, तो आप उस जॉब में रहकर अपनी डिज़ायर्ड जॉब जो भी आपने अपने लिए सोच रखा है कि मैंने ये वाली जॉब करनी है, आप वहाँ जाकर अपनी जॉब के लिए सर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो भी जॉब मिल रही है आप उसको ले लो अच्छे से और वहाँ पे जॉब करो। मीनवाइल जो भी आपको टाइम मिलता है, जो भी आपको वहाँ से छुट्टियाँ वगैरह मिलती हैं, आप उसमें यहाँ रहकर अपनी CVs जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। दुबई में रहकर आप ये जॉब ढूंढ सकते हो, क्योंकि आप जिस भी प्लेस पे हो वहाँ रहकर आप जॉब सर्च करना आपके लिए ईजी नहीं होगा एज़ कम्पेयर कि आप अगर यहाँ पे आओ और जॉब ढूंढो। अगर आपको जैसे लिंक्डइन जो है ऐप यूज़ नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट आके यहाँ जॉब के लिए सर्च करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपका यहाँ पे जो रेफरेंस है
वो होना चाहिए। अगर आपके पास किसी का रेफरेंस है और अच्छा रेफरेंस अगर कोई आपका यहाँ पे कर रहा है तो आपको जो जॉब है उस वो मिलने में थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस यहाँ पे काम करता है। अगर कोई मतलब बताए कि हाँ ये मेरा भाई या मेरा या मेरी बहन है ये, तो यहाँ पे इस तरीके से आई है और इसको जॉब करनी है, तो अगर वो उस कंपनी में या उस टीचिंग फील्ड में वो है जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगी, यहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी एज अ फ्रेशर। सो अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके का वीज़ा यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा। तो बहुत सारे वीज़ाज़ होते हैं जिसपे आप अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो 30 डेज वीज़ा होता है, एक होता है हमारा 7 डेज वीज़ा, एक होता है हमारा 90 डेज वीज़ा, और एक होता है हमारा 6 मंथ वीज़ा, और एक होता है हमारा 3 ईयर्स वीज़ा, और एक होता है जॉब हंट वीज़ा। ठीक है, तो ये इतने सारे तरीके के वीज़े होते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 3 मंथ के वीज़े पे आएं, क्योंकि वो मोर देन इनफ है आपकी जॉब सर्च के लिए। आपका जो भी आपने देखना है टाइम है, और आपका इसमें जो है इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा, तो इसलिए आपका जो 3 महीने का वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा है, आप इसमें अपना काम निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी 3 महीने में जॉब नहीं लगी, देन डेफिनेटली वो आप 1 साल भी रुक जाओ यहाँ पे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि 3 मंथ्स में आप यहाँ पे काफ़ी हद तक जॉब ढूंढ सकते हो। तो बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ। कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताऊँगी दुबई से रिगार्डिंग। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।